प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। हमारे बीच एक ऐसे कवि विराजमान है भुवनेश सिंगल जी, जिनसे संबंधों की बात करें तो मेरे छोटे भाई होते हैं। लाल किले की प्राचीर से जिन्होंने काव्य पाठ किया है, ऐसे बड़े कवि भुवनेश सिंगल जी, ओजस्वी यशस्वी तपस्वी कवि को मैं चार पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ कि हुआ पैदा नहीं कोई हमें ललकार कर जाए, हुआ पैदा नहीं कोई हमें ललकार कर जाए, बड़ी नापाक कोशिश को कभी साकार कर जाए। हमारे वीर सैनिक तो खड़े रहते सदा चौकस, किसी की है कहां हिम्मत जो हम पे वार कर जाए। और चार पंक्तियां सबसे पहले भगवान श्री राम के चरणों में रखता हूं बिना किसी भूमिका के। जो आज देश के अंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं, जब नई सत्ता का परिवर्तन हुआ चार वर्ष पहले, तो लोगों की उम्मीदें लोगों की अपेक्षाएं अपने चरम पर पहुँच गई। तब चार पंक्तियाँ लोगों को संबोधित करते हुए कहता हूँ, उनकी ओर से कहता हूँ कि राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। भगवान श्री राम के चरणों में रखते हुए कहता हूँ आह्वान रूपी चार पंक्तियाँ कि राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए। और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार एक बार एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए। और सबकी है शान राम, मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज लाइए। कि राम जी का काज यही राम राज लाइए। जब सरकार ने कहा कि राम राज लाएंगे तो राम राज लाना होगा, और राम राज एक ऐसा राम राज जहां पर धर्मों का भेद ना हो, जाति का भेद ना हो, जहां सभी समान हो, और केवल बात हो तो केवल विकास की हो। चार पंक्तियां और कहता हूं सत्ता को आईना दिखाते हुए एक कवि का कर्तव्य हो जाता है कि वह सत्ता तक अपनी बात को पहुंचाए। इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि पूरणमासी के तारोसा मुलट काकर बैठे हो, कि पूरणमासी के दिन देखिए आप, चांद जो होता है वो अपने यौवन पर होता है और तारों का महत्व बहुत कम हो जाता है, उसका प्रकाश बहुत कम हो जाता है। तब कहता हूँ कि पूरणमासी के तारोसा मुलट काकर बैठे हो, प्रभु राम के वंशज को तुम क्यों भटका कर बैठे हो, और प्रभु राम के मंदिर का निर्माण यहाँ पर कब होगा, और हो सकते हैं काम अभी जो क्यों अटका कर बैठे हो। यदि आज भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो हम कब अपेक्षाएं करेंगे, कब उम्मीद करेंगे। चार पंक्तियां और देखिए कहता हूँ, वीरस का कवि हूँ, वीरस की बात करता हूँ, आज की बात करता हूँ कि आज शहीदों के गीतों में हिंदुस्तानी लय लिख दूँ। एक वीरस के कवि को यदि कुछ लिखना पड़ जाए, एक कवि को यदि कुछ लिखना हो तो वो क्या लिखेगा कि आज शहीदों के गीतों में हिंदुस्तानी लय लिख दूँ, देश के दुश्मन के हृदय में शेरों वाला भय लिख दूँ, और अब जले अमीरी और कसाबों ओवेसी पर क्या लिखना, और तेरे मेरे सबके दिल पर भारत माँ की जय लिख दूं। कि तेरे मेरे सबके दिल पर भारत माँ की जय लिख दूं। चार पंक्तियां देखे, शहीदों को नमन करते हुए, अपने देश के शहीदों को याद करते हुए कहता हूँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी श्रृंखला रही है अपने इस राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने की, अपने शीश की कुर्बानी देने की। चार पंक्तियाँ उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए कहता हूँ कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, करूंगा काम कुछ ऐसा नया अंजाम लिख दूंगा, और भले ही डोर सांसों की कटे कट जाए गम कैसा, मगर आकाश के हृदय हिंदुस्तान लिख दूंगा।
मगर ये आकाश के हृदय पे हिंदुस्तान लिख दूंगा चार पंक्तियां इसी गोत्र की ओर देखिए कि आज शहीदों की शहादत पर मुझे एक गाना लिखना है। एक कवि होने के नाते मुझे क्या लिखना है कि शहीदों की शहादत पर मुझे एक गाना लिखना है, मेरे जो दिल में उठता है वही तूफान लिखना है, और भले फिर क्यों ना मेरे प्राण भी तन छोड़ दे मेरा, मुझे सागर के सीने पर भी हिंदुस्तान लिखना है। मुझे सागर के सीने पर भी हिंदुस्तान लिखना है। चार पंक्तियां इसी गोत्र की ओर कहता हूं कि शहीदों की इबादत का दिलों पर गाने लिखाए, हमारे देश के सैनिकों का शौर्य देखिएगा, उनका साहस देखिएगा, जहां उनके कदम पड़ जाते हैं वह भूमि भारत का अंग हो जाती है। तब कहता हूं कि शहीदों की इबादत का दिलों पर गाने लिखाए, दिलों की धड़कनों पर हम उन्हीं का मान लिखाए, और धरा के गर्भ से लेकर गगन के वक्ष तक यारों गए पाताल के भीतर तो हिंदुस्तान लिखाए, गए पाताल के भीतर तो हिंदुस्तान लिखाए। और चार पंक्तियां और आह्वान के कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। देश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो, वो विवेकी बन के जागो तुम विवेकानंद हो जाओ, विवेकी बन के जागो तुम विवेकानंद हो जाओ। और चार पंक्तियां और देखिए, विकासशील हम केवल विकसित नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या कारण है, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं जब भी व्यक्ति मन से सोचेगा चिंतन करेगा, मगर मेरी दृष्टि में क्या कारण निकला, चार पंक्तियों में कहता हूं कि ये भारत यूं नहीं होता, ये बहुत पहले विकसित हो चुका होता, ये भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता, ये भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता, मुखोटा बांध बैठा मीर जाफर संग ना होता, और किसी भी वृक्ष के कटने की गाथा यूं नहीं होती कुल्हाड़ी के अगर पीछे वृक्ष का अंग ना होता। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती, हंसा के जरूरत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हां, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम, आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम।